सब्सक्राइब करिए मिस्टीरियस अर्थ हिंदी को और बेल के आइकन को दबाइए हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। बेबीलोन के झूलते बाग प्राचीन विश्व के 7 अजूबों में से एक है। माना जाता है कि यह बाग इराक के प्राचीन शहर बेबीलोन में स्थित थे। हालांकि ऐसा कोई पक्का सबूत मौजूद नहीं है जिससे यह साबित हो सके कि यह बाग असल में थे भी या नहीं। कहा जाता है कि यह झूलते बाग जमीन पर स्थित नहीं थे बल्कि किसी महल की पत्थर की छतों के ऊपर उगाए गए थे। अगर यह बाग सचमुच में स्थित थे तो यह इंसान द्वारा बनाए गए सबसे सुंदर बागों में से एक होते। तो आइए जानते हैं बेबीलोन के झूलते बागों के बारे में कुछ अनोखे रहस्य और तथ्य। बेबीलोन के झूलते बाग प्राचीन विश्व के 7 अजूबों में से इकलौते ऐसे अजूबे हैं जो शायद कभी अस्तित्व में ही नहीं थे। कहा जाता है कि इन बागों को राजा नबूकदनेस्सर दूसरे द्वारा अपनी रानी एमेटिस को खुश करने के लिए बनाया गया था। रानी एमेटिस विवाह से पहले जहां रहती थी वहां पर झरने, ऊंचे पेड़ और फूलों से लदी झाड़ियां आम बात थी, लेकिन बेबीलोन में इन सभी का अभाव था। इसलिए राजा नबूकदनेस्सर ने उनके लिए झरनों, झीलों और वृक्षों से भरा यह बगीचा तैयार करवाया था। राजा नबूकदनेस्सर दूसरे ने 605 से 562 ईसा पूर्व तक लगभग 43 साल तक शासन किया और माना जाता है कि यह बाग इसी अवधि में बनाए गए थे। यह भी कहा जाता है कि ईसा से 2 सदियों पहले एक भयंकर भूकंप आ जाने के कारण यह बाग नष्ट हो गए थे। बहुत से प्राचीन ग्रीक और रोमन इतिहासकारों ने इन बागों के बारे में लिखा है कि यह बाग क्यों, कैसे और किसने बनवाए थे, लेकिन उनमें से ज्यादातर के विवरण अलग अलग हैं। वर्तमान समय में इन बागों का कोई भी पक्का पुरातात्विक प्रमाण नहीं मिल पाया है, लेकिन माना जाता है कि अगर ये बाग आज होते तो बगदाद शहर के दक्षिण में स्थित होते। अगर बेबीलोन के झूलते बाग सचमुच में अस्तित्व में थे तो इनकी सिंचाई करने के लिए रोजाना 31,000 लीटर पानी की जरूरत पड़ती होगी। माना जाता है कि यह बाग 75 फीट की ऊंचाई पर स्थित थे जिस समय यह बाग अस्तित्व में माने जाते हैं। आज उस समय की कई मिट्टी की लिखी हुई तख्तियां मौजूद है जिनमें से एक पर भी इन बागों का वर्णन नहीं है। इन बागों को सेमीरामिस के झूलते बाग भी कहा जाता है। झूलते बाग दरअसल लटके हुए नहीं थे बल्कि किसी महल की सभी छतों पर उगे हुए थे। कई इतिहासकारों और पुरातात्विक शास्त्रों की माने तो यह बाग सचमुच में अस्तित्व में थे और युद्ध और प्राकृतिक कारणों के कारण यह नष्ट हो गए थे। एक ग्रीक इतिहासकार डायडोरस सिक्युलस ने वर्णन किया है कि यह बाग महल या किले की सभी छतों पर 400 वर्ग फुट के दायरे में फैले हुए थे। इस महल या किले की दीवारें 80 फुट तक ऊंची थी। डायडोरस सिक्युलस के वर्णन के आधार पर सन 1899 से 1917 के बीच एक जर्मन पुरातात्विक शास्त्री रॉबर्ट कॉल्डवे ने एक ऐसी जगह की खोज निकाली जो डायडोरस के झूलते बागों के विवरण से मिलती जुलती थी। उन्होंने खोजी गई जगह के फर्श पर 3 बड़े सूखे कुंड खोजे। माना जाता है कि यह कुंड झूलते बागों की सिंचाई करने के लिए उपयोग किए जाते थे। पुरातात्विक शास्त्री रॉबर्ट कॉल्डवे द्वारा खोजी गई जगह पर कई विद्वान प्रश्न उठाते हैं क्योंकि वह जगह बेबीलोन से 480 किलोमीटर दूर स्थित है। नई खोजों से पता चलता है कि ऐसे बाग सचमुच में अस्तित्व में हो सकते थे क्योंकि उस समय ऐसे बाग बनाना कोई मुश्किल काम नहीं था। हालांकि यह स्थित कहाँ थे यह प्रश्न अभी भी बरकरार है और उसका अभी तक कोई भी उत्तर नहीं मिल पाया।